दिनांक 16 तारीख को खगड़िया के जेएनकेटी मैदान से दोपहर के 1 बजे हम लोग जनसभा वहां आयोजित की गई है। लगभग 1 बजे के आसपास कल एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी होने के बतौर सभी शहरवासियों के आशीर्वाद को लेते हुए अपना नामांकन दाखिल करूंगा और साथ ही साथ 1 बजे से जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां पर सभी 6 विधानसभा से, लोकसभा खगड़िया के सभी 6 विधानसभा से हमारे युवावगण, नौजवान साथी, माताएं, बहनें सभी अपना भरपूर आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन देने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। मैं आप सभी के माध्यम से ये निवेदन और आग्रह करता हूं और साथ ही साथ मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना मार्गदर्शन दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि एक मजबूत नींव तैयार कर सके हम लोग खगड़िया की आगे की रूपरेखा को सुनिश्चित करने के लिए। देखिए, जीत को लेकर तो पहले दिन से आश्वस्त इसीलिए हैं सभी एनडीए के प्रत्याशी। उसके पीछे का कारण कोई मेरा व्यक्तिगत राजनीतिक बहुत बड़ा वजूद है, ऐसा नहीं है। मेरा राजनीतिक वजूद बहुत छोटा, नहीं के बराबर है। जीत के लिए आश्वस्त इसीलिए हैं क्योंकि जब विजन बड़ा हो, जब उद्देश्य बड़ा हो, तो हर आम आवाम अस्पष्टता चाहती है कि अस्पष्टता के साथ तमाम चीजें उनके समक्ष रखी जाए। वही अस्पष्टता अगर कहीं पर है तो केवल एनडीए गठबंधन के साथियों के पास है। वो अस्पष्टता क्या? अस्पष्टता ये कि हम लोग जीत कर जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, ये अस्पष्ट है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से यशस्वी नरेंद्र मोदी जी होंगे। वहीं महागठबंधन के जो साथी हैं उनके पास ये जवाब अब तक नहीं है, वो अस्पष्ट नहीं है कि जीत कर जाएंगे तो खगड़िया की आवाज को किनके सामने रखेंगे, किनके समक्ष रखेंगे, ये अभी संशय में। दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, एक साथ है और एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ रहा। वहीं महागठबंधन हाथ पकड़ के इंटैक्ट होने का दावा तो कर रही है, लेकिन बंगाल में अलग, पंजाब में अलग नीतियां चल रही हैं, अलग अलग चुनाव लड़े जा रहे हैं। जहां एक तरफ मजबूत विश्वास का आधार और नींव को रखने का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया, 370 हटाने से लेकर राम मंदिर के निर्माण से लेकर विश्व में देश की, भारत देश की मजबूत पहचान को बनाने के लिए G20 जैसे सम्मिट को कर न केवल एक मजबूत विश्वास का आधार रखा, बल्कि साथ ही साथ अब एक फिर से गारंटी दी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जाएगा। और जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जहां आर्थिक रूप से जो शहर, जो जिला, जो प्रदेश, जो देश मजबूत होगा, तो रोजगार के अवसर भी उतने ही उत्पन्न होंगे। रोजगार उत्पन्न होंगे तो मुझे लगता है कि नौजवान साथियों के बीच बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। तो मुझे लगता है कि यहां पर एक बड़ा विजन है और यही विजन, यही स्पष्टता एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जीत के लिए बहुत आश्वस्त करती है। आपने खगड़िया को क्यों चुना है राजनीति? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी लोकसभा क्षेत्र को चयनित नहीं करता। जब आप किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं, किसी पार्टी, किसी संगठन का हिस्सा होते हैं, तो संगठन का जो निर्देश, जो आदेश होता है, वो आपके लिए सर्वोपरि होता है। संगठन ने जब जब जो आदेश दिया, तब तब हम लोग संगठन के साथ मजबूती से रहे और संगठन का निर्णय हुआ कि खगड़िया लोकसभा से मुझे लड़ाने का निर्णय संगठन ने लिया। मैं इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का धन्यवाद इसीलिए विशेष रूप से देता हूं, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें तो हैं, लेकिन खगड़िया लोकसभा सीट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला रहा। मुझे इस धरती की सेवा करने का सौभाग्य हमारे आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी ने दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। आपको क्या लगता है कि खगड़िया में और कोई इस सेवा के लायक नहीं था, पार्टी ने उसे क्यों नहीं चुना? देखिए, जब आपके पास सीट 5 हो और प्रत्याशी आपके पास अनगिनत हो, तो स्वाभाविक है कि यदि किसी 5 को मिलेगा तो 45 की नाराजगी होना स्वाभाविक है। और जब आप बिहार की राजनीति बात करते हैं,
तो वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, लेकिन उन सभी फैक्टर में एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी की दूरदर्शी सोच है, उन्होंने वो हमेशा इस बात को मानते हैं जातिगत समीकरण के आधार पर जो भी उन्होंने सोचा हो, एक वैश्य को लड़ाने का निर्णय लिया हो, मुझे मौका दिया हो, वो जातिगत समीकरण जितना उस पर जितना ध्यान उन्होंने दिया नहीं दिया, उससे ज्यादा ध्यान उन्होंने इस बात पर दिया कि उनके नजर में युवा एक बड़ी जाति है, उनके नजर में महिला एक जाति है, उनके नजर में गरीबी एक जाति है, वो हमेशा इस बात को प्रमुखता से रखते आए हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये अवसर इसीलिए दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार की जो छवि देश स्तर पर किस तरीके से मजबूत हो, किस तरीके से नौजवान साथी, शिक्षित साथी अपनी बातों को मजबूती से सदन में रखकर बिहार को, बिहार के प्रतिनिधित्व को मजबूती से रखने का काम करें, ताकि देश स्तर पर बैठे हुए, सदन के पटल पर बैठे हुए तमाम देश भर से आए हुए सांसद और देश भर के लोगों को इस बात की जानकारी हो सके कि बिहार ये बदलता हुआ बिहार है, ये हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी के सोच का बिहार है, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ चलने वाला बिहार है, ये माननीय नीतीश कुमार जी के नीति और नियत के साथ बढ़ने वाला बिहार है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों का बिहार है, उस बिहार की नींव के लिए उन्होंने मुझे चयनित किया। खगड़िया के परिप्रेक्ष्य में आखिरकार खगड़िया की जनता आपको ही क्यों वोट करे? मैं आपकी बात से, मैं पहले दिन जब खगड़िया लोकसभा क्षेत्र आया तो मुझे भी इस बात का था कि संगठन ने, पार्टी ने, एनडीए के सभी घटक दलों ने मिलकर मुझे एनडीए का प्रत्याशी बनाने का तो सौभाग्य प्राप्त किया, शुभ अवसर मुझे दिया, लेकिन जब हम खगड़िया के बीच, अब तक जो मेरा खगड़िया आना जाना लगा रहा है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से और पार्टी ने राजनीतिक दृष्टिकोण से जब जब मौका दिया तब आना जाना लगा रहा है, लेकिन अस्थायी रूप से यहाँ की सेवा का अवसर जब संगठन ने मुझे दिया तो मेरे जहन में भी ये सवाल था कि खगड़िया के लोगों में कितना उत्साह होगा, किस तरीके से क्या खगड़िया के लोग स्वीकार करेंगे, उनके जहन में क्या होगा, लेकिन इस बात को पूरे दम के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विगत 15 दिनों में जितना सम्मान, प्यार और आशीर्वाद यहाँ के नौजवान साथियों से मिला, यहाँ के युवाओं से मिला, यहाँ की माताओं से, बहनों से मिला, ये आश्वस्त करता है कि लोग साफ नियत, नीति, विजन के साथ चलने वाले के साथ हैं और इस बदलाव में सब लोग एकमत होकर और संकल्पित हैं खगड़िया की रूपरेखा किस तरीके से बदले, उसमें उनकी सहभागिता कहां पर हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं चीजों को बदल दूंगा, मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं सबको साथ लेकर चीजों को बदलने की रूपरेखा सुनिश्चित करूंगा, यही विश्वास है लोगों को, इसीलिए लोग मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू सर। खगड़िया की बेरोजगारी दूर करने का आपके पास रीजन क्या है? देखिए, आप इस बात को समझिए, मुझे लगता है अगल बगल के यदि 13 डिस्ट्रिक्ट को यदि आप देखेंगे तो खगड़िया एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से मक्के का बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो अन्य राज्यों में और विदेशों में भी हो रहा है। और आप इस बात को समझिए, यहां से मक्का जाकर दिल्ली, बॉम्बे और अन्य फैक्ट्रियों में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होकर डब्बे में पैक होकर 20 गुना ज्यादा दाम में बिक सकता है। तो रॉ मटेरियल यहीं पर है, नौजवान साथी यहीं पर है, अवसर यहीं पर है, तो आप उद्योग यहां क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो मुझे लगता है ये केवल मक्के की बात नहीं कर रहा हूं, फूड से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, चाहे वो मक्का हो, चाहे दूध हो, चाहे वो केला हो, चाहे वो मछली हो, 7 नदियों का संगम है ये। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फूड से रिलेटेड बिजनेस की बहुत अपॉर्चुनिटी, और यही अपॉर्चुनिटी हमारे दूरदर्शी रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच थी, तभी उन्होंने प्रिंसटन फूड पार्क का उद्घाटन किया था और ये सोच के उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था कि जब ये शुरू होगा तो हजारों नौजवान साथियों को खगड़िया में ही रोजगार मिलेगा, और उनके अधूरे इस सपने को किस तरीके से मैं पूरा कर सकूं इसके लिए मैं हमेशा संकल्पित रहूंगा। देखिए, काम मेरे नजर में यदि पूछिए उनके क्या विजन थे, मुझे लगता है वो अभिभावक हैं, हमसे ज्यादा उनके पास राजनीतिक तजुर्बा है, तो उन्होंने अपने दृष्टिकोण से कुछ चीजें तय की होगी। मेरी प्राथमिकताओं में मैंने हमेशा से कहा है कि अभी ये जिला, जितना मैं घूमकर समझ पाया हूं, अभी इस जिले में मूलभूत समस्याओं के समाधान की बहुत आवश्यकता है। अभी बहुत सारे गांव, पंचायत, प्रखंड ऐसे हैं
जहां बेहतर सड़क निर्माण की आवश्यकता है, जहां बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। पहले से परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन अभी और बहुत वक्त चाहिए। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी योजनाएं आम आवाम के लिए है, वो अगर उन तक नहीं पहुंच पाई है, तो उसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण जनप्रतिनिधि और केंद्र की जो योजना है, केंद्र की योजना और आम आवाम के बीच जो जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव रहा होगा। तभी, क्योंकि अगर वो अभाव नहीं रहता, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको लगता है लोगों को बहुत सारे आवास या उनका घर बन गया होता। मथार में गया था, मथार गांव में जहां पर आग लगी हुई थी, और हम लोगों ने देखा कि वहां पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जो आज भी झुग्गी झोपड़ी में बने हुए हैं, जहां पर हमेशा हर साल ये बात पता चलती है कि वहां आग लगने के कारण न केवल आर्थिक रूप से लोगों को नुकसान होता है, बल्कि लोगों की जान माल की भी क्षति होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम लोग 5 साल में प्राथमिकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ मूलभूत समस्याओं के निवारण को अपनी प्राथमिकताओं में रखें। कल के नॉमिनेशन में कौन कौन लोग जो है चीफ गेस्ट के तौर पर, कल हम लोग नामांकन करेंगे, जिसमें अब तक जिनकी सूचना मुझे मिल चुकी है, उसमें हमारे युवावक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी रहेंगे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी रहेंगे, लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा जी रहेंगे, और रामनाथ ठाकुर जी राज्यसभा सांसद जो है वो रहेंगे। अभी मेरे पास इतने लोगों का कंफर्मेशन है, और हमको लगता है कि शाम रात तक और भी हमारे युवाओं का नाम सामने आएगा, और साथ ही साथ सभी 6 विधानसभा से हमारे एनडीए घटक दल के सभी हमारे साथी, प्रखंड के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष, यहाँ तक कि बूथ और पन्ना प्रमुख तक अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराकर एक मत होकर एनडीए गठबंधन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। खगड़िया लोकसभा के लिए सारे मुद्दा गौण हो गया है, मुख्य मुद्दा है मेजबान बनाम मेहमान का। ये मुद्दा किसका है? ये मुद्दा आम आवाम का नहीं है, ये मुद्दा विपक्ष का हो सकता है, और मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष के पास ये सारे मुद्दे हैं। और अगर विपक्ष, मुझे लगता है कि लोकतंत्र को हमेशा बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और दुहाई देते हैं कि हम सब लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, ये विपक्ष हमेशा कहता रहा है। तो यदि विपक्ष लोकतंत्र को मानता है, तो क्या लोकतंत्र मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं देश के किसी भी कोने से जाकर चुनाव लड़ सकूं? अगर नहीं देता तो इस बात पर मैं जवाब देता, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र और हम लोग सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो हमको इजाजत देते हैं कि हम देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सके। और ये तो फिर भी मेरा पड़ोसी जिला है, जब लोग सिंगापुर से आके सारण से चुनाव लड़ सकते हैं, तो राजेश वर्मा भागलपुर से आके खगड़िया से चुनाव करने लड़ सकता है। इस बात को सोचने की जरूरत है। चलिए।